के इस अवसर पर हम लोग समय समय पर मिलते हैं, फिर मिलेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के साथ ही हम रामगढ़ में एक नया थाना भी बना रहे हैं सुरक्षा के दृष्टि से, और वहां भी आज हम स्वीकृत करके आए हैं, उसका नोटिफिकेशन हम लोग यहाँ भेज चुके हैं। यहाँ पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहेगी और एक सिस्टम के साथ हमारा संकल्प होगा, हम रामगढ़ ताल को गंदा नहीं होने देंगे। गोरखपुर के रामगढ़ ताल किनारे लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण किया। रामगढ़ ताल लाइट एंड साउंड शो गोरखपुर का दूसरा लाइट एंड साउंड शो है। बेहद शानदार ढंग से इसकी प्रस्तुति की गई। लाइट एंड साउंड शो का ये नजारा बेहद मनमोहक था। जिसने भी इसे देखा उसकी निगाहें बस इसे देखती ही रह गईं। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद गोरखपुर को दो दो लाइट एंड साउंड शो की सौगातें मिल चुकी हैं। बीते साल गोरखनाथ मंदिर में लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ हुआ था, लिहाजा गोरखनाथ मंदिर के बाद अब रामगढ़ ताल पर लाइट एंड साउंड शो शुरू हो जाने से यहां के शो में गोरखपुर के पर्यटन स्थलों का जिक्र होगा। गोरखपुर से जुड़ी हस्तियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साहित्यकारों का भी लाइट एंड साउंड शो में जिक्र है। करीब 40 मिनट के इस शो को पर्यटन विभाग ने तैयार कराया है। जाहिर है रामगढ़ में इस तरह का लाइट एंड साउंड शो शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गोरखपुर से R9 TV के लिए प्रवीण त्रिपाठी की रिपोर्ट।